किसानों के समर्थन में दिन प्रतिदिन राजनीतिक संगठन खड़े हो रहे हैं। वह इन तीनों कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बता रही हैं, जिसके चलते आज करनाल के करण पार्क में शिवसेना की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान सरकार को आड़े हाथों लिया गया तथा किसान आंदोलन का समर्थन किया गया। प्रदेश उप प्रमुख अमित तंवर ने कहा कि यह तीन कृषि अध्यादेश काले कानून है, इसके किसानों की हालत और दयनीय हो जाएगी। पहले ही कोरोना काल में किसानों की हालत बहुत दयनीय है, किसानों को लागत के आधार पर भी मूल्य नहीं मिल पाता है। अब यह कृषि अध्यादेश जारी कर दिए गए हैं जो किसानों को बर्बाद करके रख देंगे। किसानों के आंदोलनों को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है। आलम यह है कि किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं एवं लाठियां बरसाई जा रही हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर किसानों को जल्द न्याय नहीं मिला और यह कृषि अध्यादेश निरस्त नहीं किए गए तो वह अपना संघर्ष और तेज कर देंगे। इस अवसर पर महासचिव संदीप वर्मा, सचिन मलिक, संजीव कुमार सहित शिवसेना से जुड़े कार्यकर्ता मौजूद रहे। राव के नाम के ऊपर सिर्फ एक आंदोलन किया गया, हम उस ताले को तोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भाजपा का अगर कोई तोड़ है तो वो शिवसेना पार्टी है और कोई नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के अंदर सरकार गिराने की धमकी दी मोदी ने, तो उद्धव ठाकरे जी ने स्पष्ट कहा था कि सरकार गिरा के देखो, फिर हम बताते हैं कि शिवसेना क्या चीज है। तो शिवसेना क्या चीज है हरियाणा के कट्टर को समझना पड़ेगा, और आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से बताना चाहता हूँ और जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये चड्डी के अंदर खड़े हो गए राजनीति करने वाले लोग हैं, इन्होंने कभी देश के बीच में जनता के बीच में जाके इन्होंने कोई काम नहीं किया। ये सारा दिन लाठियां लेके ट्रेनिंग तो लेते हैं, इनको बॉर्डर की जब बात आती है तो ये देश के सैनिकों को मरवा देते हैं, जब पेट भरने का समय आता है तो इनके अनाज के भंडार खाली हो जाते हैं, और 5-5 किलो किसानों से ये अनाज मांग के क्या साबित करना चाहते हैं, ये आप लोगों से छुपा हुआ नहीं है। मतलब आप अप्रत्यक्ष रूप से जो है आरएसएस की बात कर रहे हैं। आरएसएस बिल्कुल आरएसएस है, तभी तो बीजेपी है। आरएसएस जो सपोर्ट करता है इनडायरेक्ट वे, नागपुर से कोई ऑर्डर चलता है सारे बीजेपी वाले उस चीज को लागू कर देते हैं। गुलिया जी पहुंचे हैं, जिनकी ड्यूटी हमारे संजय रावत जी ने लगाई है, क्योंकि हरियाणा के अंदर जो किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और भाजपा सरकार जो बंगाल से लोगों को बुला के, भाड़े पे लोगों को बुला के जो रैलियां कर रही है किसानों की आवाज को दबाने के लिए, उसका संज्ञान लेने के लिए महाराष्ट्र से संजय रावत जी ने इनकी ड्यूटी लगाई है, और संजय रावत जी ने ये हमें आदेश दिया है कि आप अपनी टीम की मीटिंग करके सीएम आवास का घेराव करें, और घेराव को खाली घेराव तक सीमित ना रखें, उनके महल को ढाने के लिए का भी आप कार्य करें, और जो अत्याचार जो भी बेटियों के ऊपर हो रहे हैं वो सारा का सारा संज्ञान लेने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने इनकी ड्यूटी लगाई, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर भी सरकार गिराने के लिए जो भाजपा सरकार ने अपनी गंदी राजनीति करते हुए कंगना राणावत को आगे किया, सुशांत जी को अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा बना के बिहार में उसके मुद्दे पे चुनाव लड़ने की कोशिश की, वो सारा का सारा आज जो उनकी बिल्डिंग थी, जो ढांचा था भाजपा का, वो गिरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से भाजपा सरकार का अगर कोई प्रदेश के अंदर या देश के अंदर कोई तोड़ है, कोई निचोड़ है, तो सिर्फ शिवसेना पार्टी है, और जितनी भी पार्टियां आई, जिन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, उसका सारा जो काला चिट्ठा है वो सारा आप मीडिया से छुपा हुआ नहीं है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.